मुरादाबाद से एक मामला सामने आया है, जहां एक युवती ने अपने प्रेमी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मुरादाबाद मझौल थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मुरादाबाद एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि कमर अजीम नाम के युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद उसकी एक पुत्री भी हुई। वहीं आपस के संभावित लोगों ने उन दोनों का निकाह 10 नवंबर 2021 को करवाया था। दोनों की इस्लामिक रीति रिवाज से शादी हो गई थी, मगर अब उसका पति उससे अपने साथ नहीं रखना चाहता है और तलाक देना चाहता है। पत्नी अपने पति के साथ रहना चाहती है। उसने मुरादाबाद एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि इस मामले की जांच कराकर उसकी मदद की जाए। मेरा नाम नूरे अर्शी है। कहाँ रहती है? मैं वारसी नगर पे किराए पर रहती हूँ, जामा मस्जिद मुरादाबाद में जी। थाना कौन सा था? मुगलपुरा। क्या मामला? मैं अपने पति के साथ में रहा करती थी 4 साल पहले। अपने पति मोहम्मद अजीम के साथ रहा करती थी। उनका चचेरा भाई कमर अजीम उर्फ शब्बू, उसने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया 4 साल तक। किसने? कमर अजीम उर्फ शब्बू। ये पीर गैप के रहने वाले हैं, जो कि अभी मकान बेच करके करूले जयंतीपुर अपने भाई बड़े भाई जावेद के यहाँ रह रहे हैं। कमर अजीम उर्फ शब्बू से मेरी एक बेटी भी है, जिसका नाम अलाइजा है। वो 9 महीने की हो चुकी है। इन्होंने मुझसे निकाह किया है और अब मना कर रहे हैं मुझे अपने साथ रखने के लिए। मना कर रहे हैं, इनके भाई वगैरह सब मुझे धमकी दे रहे हैं, डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं। कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? ये मेरे घर पे ही आया करते थे और मोबाइल के थ्रू बात हुई थी, क्योंकि मेरे पति के चचेरे भाई थे। रिश्तेदार थे आपने? जी जी, मेरे पहले पति के चचेरे भाई थे। अब कमर अजीम से मेरा निकाह हुआ हुआ है, इनके भाई ये मेरा निकाह ख़त्म करवाने के लिए बोल रहे हैं, डिवोर्स के लिए बोल रहे हैं। मैं मुगलपुरा थाने भी गई थी, मैंने तहरीर भी दी, वहाँ मुझे किसी ने कॉपी नहीं दी। बहुत परेशान हूँ। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।